हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर गुरुजी की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आने वाली वैकेंसी के बारे में। आपने बहुत सारे न्यूज़ ये सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से हाल ही में, अभी अगस्त में या अगस्त तक या सितंबर के शुरुआत में कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, तो मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। देखिए, जो न्यूज़ थी वो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, शुरुआत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हिदायत दिखी थी कि जितने भी पुलिस वैकेंसीज हैं पूरे देश में, उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए और सन 2018 तक लगभग 3 लाख पुलिस वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में आने की उम्मीद थी। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, और बहुत से अलग अलग राज्यों में वैकेंसीज आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इतनी भी वैकेंसीज खाली हैं, तो राज्य सरकार से ये अनुरोध किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी उन वैकेंसीज को फिल करा लिया जाए और जो भी वैकेंसीज खाली हैं। तो इसी के रेफरेंस में अलग अलग स्टेट्स अपना नोटिफिकेशन और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में सब कुछ न्यूज़ निकली थी, तो ऐसा उत्तर प्रदेश की तरफ से भी न्यूज़ आई थी कि 2018 तक जो है लगभग 3 लाख पुलिस और लगभग 3200 के आसपास SI की वैकेंसीज आएंगी। अब जो 3 लाख पुलिस थे, उनको कहा गया कि 3 स्टेप में वैकेंसीज आएंगी, वो 3 स्टेप में फुलफिल कराएंगी जाएंगी। और पहली वैकेंसीज की जो अनाउंसमेंट होने वाली थी, वही यही अगस्त में होने वाली थी और सितंबर में। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल साइट है, तो इसमें अभी तक वैकेंसीज के अगर हम बात करें, तो अभी तक कुछ जो है नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हम जाते हैं नीचे, कुछ न्यू नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है अभी। ये 2011 ये सब जो भर्ती 2016 महिलाओं के अंतर्गत, ये आप इस पर निरंतर देखते रहिए। ये भी, ये पुलिस UPPBP.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, आप देख सकते हैं इसे अपने में आप जाके। तो ये अभी तक कोई ऑफिशियल जो है नई भर्ती की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और आंतरिक सूत्रों के माने तो जो है वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है, जो कि जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन ही जल्दी से जल्दी, यानी अगस्त बीतते बीतते या सितंबर के शुरुआत में वैकेंसीज आ जाएंगी। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं और आएंगी तो लगभग बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, लगभग 30,000 के आसपास आ सकती हैं। तो ये वैकेंसीज रहीं जो पुलिस की आने वाली हैं, ये सितंबर की शुरुआत या अगस्त के, ये जो अगस्त चल रहा है इसके लास्ट तक आ जाएंगी, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है। और जो कुछ वैकेंसीज का क्राइटेरिया रहेगा, उसमें इस बार जो है लिखित परीक्षा का जो है उसमें रेफरेंस दिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपको देनी होगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भर्ती होगी। तो लिखित परीक्षा आपको देनी होगी, साथ साथ जो आपकी फिजिकल वगैरह होते हैं वो भी होते रहेंगे। तो आपको लिखित परीक्षा इस बार देनी होगी, तो आप अपने फिजिकल के साथ साथ अपना जो लिखित है, जो राइटिंग स्किल्स है और जो GS GK इंग्लिश ये सब है, हिंदी वगैरह, तो आप ये भी पढ़ते रहिए, और जिससे आपका भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही आपको बताना था। मैं ऑफिशियल साइट खोला हूँ यूपीपी की, लेकिन कुछ आंतरिक सूत्रों की माने तो पुलिस की वैकेंसी जल्दी ही आ जाएंगी, 10-15 दिन के अंतर्गत। जैसे आगे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा पूरे एक डिटेल वीडियो के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।